आप सुन रहे हैं, देखिए कुशाल जेटी जो है आरोप तो गंभीर लगा रहे हैं, लेकिन एक बात इन्होंने कही कि सैलरी कर्मचारियों की हिमाचल में आ चुकी है। आप कह रहे हैं नहीं आई है, आपने कंफर्म किया किसी से कि आज सैलरी आ गई? बिल्कुल, मैंने टेलीफोनिकली कंफर्म किया है, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कंफर्म किया उन्होंने, जो सरकार के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी आ चुकी है और उनकी सैलरी मिलती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 महीने की बात कही है, इनको भी एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अपने एमएलए को बोलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई 2 महीने की बात नहीं की है, बाद में वो मुखर गए हैं। आपके मंत्रिमंडल मुखर गए, आपके विधायक मुखर गए थे, आप पूरी संधि मत फैलाएं। वो इस महीने भी पैसे लेंगे, वो अगले महीने की तनख्वाह देंगे, उससे अगले महीने की तनख्वाह देंगे। वो हाथी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पूरे जीवन की कमाई जा रहा प्रकृति को झूठ सनसनी ना फैलाए, लोगों के मध्य झूठी बातें ना करे। अगर इतना ही है तो 50 लाख रुपए का आप खर्च करके मंत्रियों के कमरे बनवा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए खर्च करके आप लोग जो है नए नए अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के बनवा रहे हैं, और आप इस तरह की जानकारी दिया मुख्यमंत्री रात को उसमें बताइए 1 रुपया भी कभी भी इसी एमएलए ने मुख्यमंत्री रात का उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलए या मंत्री ने दिया हो। माननीय ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार है, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री की पूरी सैलरी काटी जाती है।